आपके साथ। हरियाणा में भाजपा को छोड़कर अचानक कांग्रेस में शामिल हुए नेता अशोक तंवर का आज पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, भाजपा जाति और धर्म के नाम पर लड़वाती है। आज हरियाणा के अंदर किस तरीके से जाति का सहारा लेकर जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां धर्म ना चले वहां जाति चलाओ, यह भाजपा की नीति है। यही देखकर मैं आहत हुआ और कांग्रेस में वापसी की। तंवर गुरुवार को एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन आज उन्होंने आधिकारिक रूप से सदस्यता ली। इसके बाद दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तंवर ने कहा, पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भारत जोड़ो और ऐसे अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एक दिशा दी और लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। राहुल गांधी एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में उभरे है। बीजेपी राजनीति में जहां भी लागू हो धर्म और जाति का उपयोग करती है। भाजपा को छोड़कर अचानक कांग्रेस में शामिल होने के बाद अशोक तंवर को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यह उनकी करीब 5 साल बाद फिर से कांग्रेस में वापसी है। उन्होंने 5 अक्टूबर 2019 में कांग्रेस को अलविदा कहा था। इन 5 सालों में अशोक तंवर ने आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही जाने अनजाने में जननायक जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया। अब फिर से वह कांग्रेस में शामिल हुए हैं तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। उनकी ट्रोलिंग के संदर्भ में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें अशोक तंवर को विभिन्न पार्टियों के बारे में बोलते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियोस में अशोक उन पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने ज्वाइन कर लिया। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।